राशन सरकारी है, सरकार लोगों को सहूलियत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अफसर जेब भर रहे हैं। बोरों से बीच रास्ते में लूट हो जाती है, कोटे तक जब सामग्री पहुंचती है तो सवालों जवाबों के बीच मैनेज शब्द लाद दिया जाता है। अब कोटे वाले उस मैनेज को हर लाभार्थी के साथ चुकाते रहते हैं। कहा जाता है कि बेईमानी हो रही है, लेकिन लूट के असल खिलाड़ियों का गेम ही अलग है। कोटेदार लोगों को कम राशन देते हैं, वजह यह है कि उन्हें गोदाम से ही कम राशन मिलता है। राशन के वजन में बोरियों का वजन भी जोड़ दिया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये कोटेदार अपनी जेब से सरकारी खेल से चुराए गए राशन की भरपाई करेंगे। नियम है कि हर कोटेदार को बोरियों के वजन के बराबर राशन अलग से देना है, लेकिन हकीकत क्या है खुद सुनिए। गोदाम में क्या बताते हैं? बोरी का वजन नहीं देते हैं। इन लोगों को, गरीबों को जो है कि उनको राशन क्यों कम दिया जाता है? तो पर्ची तो पूरे की देते हैं, क्या करते हैं? कैसे पूरा करेंगे? बोरे का वजन मिलता है आपको? हैं? कभी मांगा? मांगा, 50 बार मांगा। कितना वजन मिलना चाहिए? कितने कुंटल का आपके पास राशन आता है? 80 कुंटल। वो कैसे मैनेज करते हैं ऐसे ही? लेकिन हमारी भी तो सुन लीजिए, हमें जगह बोरे का वजन नहीं दे रही है मैडम, तो बोरे का वजन भी आप दिखवा दीजिए। कम से कम बताइए तो हम लोगों को कि बोरे का वापस में, कि बोरे का वजन हम लोगों को दे। मैडम कोई भी बोरे का वजन नहीं दे रही मैडम। 40 क्विंटल कम आ रहा है मेरे पास राशन, 40 क्विंटल राशन कम आ रहा है, और ऑफिस में कोई नहीं सुन रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। राशन लेने जाते हैं गोदाम से, राशन आपके पास आता है तो आपको बोरे का वजन मिलता है? बोरे का वजन नहीं मिलता। कितना मिलना चाहिए बोरे का वजन आपको? 650 या 700 ग्राम का बोरा होता है जी हमारे पास, 200 कट्टे आते हैं, तो 1 क्विंटल 40 किलो हमको जो है अलग से राशन मिलना चाहिए जी, मिलना चाहिए, लेकिन वो कमी नहीं मिलता। 1 किलो 40 जी सर, यानी कि करीब 140 किलो जी सर, और आपको कभी नहीं मिलता। इसको लेकर के शिकायत की सर हमने कई बार गोदाम में किया, ये किया, वो कहते हैं सर वहीं से कम आता है, ये है वो है, इस टाइम बहुत कहा गया लेकिन कोई कई बार शिकायत करते हैं बहुत कुछ। कितने कुंटल राशन आता है आपके पास? 60 कुंटल। 60 कुंटल जी हाँ। 60 कुंटल का मतलब है 120 बोरी। हाँ जी। और एक अगर उसमें कुछ प्लास्टिक भी होती है सर, आपके पास प्लास्टिक 200 ग्राम की होती है। सवाल ये है कि डीएम अभिषेक प्रकाश क्यों कोटो तक सीमित हैं? उन्हें जवाब लेने के लिए संबंधित विभाग के हर अधिकारी से पूछना चाहिए कि इतने अफसरों के बीच लूट तंत्र कैसे सक्रिय है, इसे खाद पानी कौन दे रहा है, कौन इस लूट को मुनाफे के तौर पर देख रहा है। असल बात यह है कि मुनाफे का खेल है ही नहीं, ये सरेआम लूट है, क्योंकि मुनाफे में लागत भी शामिल होती है, लेकिन यहाँ तो सब जनता का है जो चिंता से ही लूटा जा रहा है। इस लूट के बीच कई परिवारों की कुछ रातें निवालों के बगैर चूल्हे पर खामोश रहती हैं। सरकार को, अफसरों को जागना होगा, क्योंकि गुनाह हो रहा है, सरेआम हो रहा है। लिखिए मुकदमा इन पर, भेजिए सलाखों के पीछे, क्योंकि डकैती के दोषी हमेशा सिस्टम में बने रहते हैं। कब होगी इन पर कार्रवाई, इंतजार है, हम इंतजार करेंगे, लेकिन इसके बीच दिखाते रहेंगे लूट का हर खेल, जो बेनकाब करेगा सरकार के हर दावे को।